क्लास 9 की एक्सरसाइज 9 की थ्योरम 9.2, जिसमें कह रहा है टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल। हमें दो ट्राइंगल दिए गए हैं जिनका बेस सेम है और वो सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो हमें प्रूव करना है कि वो एरिया में इक्वल होंगे। ठीक है, यही थ्योरम है। तो हमें गिवन है, गिवन ट्राइंगल ए डी बी, ये एक ट्राइंगल गिवन है, एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल गिवन है ऑन द सेम बेस ए बी। इन दोनों का बेस क्या है? ए बी है। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए बी एंड सी डी, और ये क्या है? ए बी और सी डी, मतलब ये जो दो लाइनें हैं ये आपस में क्या है? पैरेलल, दोनों क्या है? दोनों पैरेलल्स के बीच में है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ए डी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल होगा। ठीक है, तो प्रूव हो गया हमारा, सॉरी प्रूव हमने लिख लिया। तो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, सिर्फ इसमें मेन कंस्ट्रक्शन ही है। आप अगर कंस्ट्रक्शन सही कर ली तो ये थ्योरम इजीली हो जाएगी। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे डी वर्टिसेस से, ठीक है, ई ये कंस्ट्रक्शन करेंगे हम परपेंडिकुलर, और ऐसी कंस्ट्रक्शन करेंगे सी वर्टिसेस से, यहां पर परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा एफ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, डी ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी, डी ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी, एंड सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। सी एफ भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, दोनों से हमने क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक है, तो आ जाते हैं अब प्रूफ पर, प्रूफ में आएंगे। प्रूफ में एरिया ऑफ ए डी बी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, एरिया ऑफ ए डी बी क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये तो होता है फॉर्मूला किसी भी ट्राइंगल का, राइट एंगल मतलब जिसमें हमें परपेंडिकुलर हाइट दे रखी होती है उस पर हम फॉर्मूला लगाते हैं ये। ठीक है, इससे पहले हम क्या प्रूव कर लेते हैं कि डीई, जो डीई है और सी एफ है, ये क्या होंगे, इक्वल। इसको हम प्रूव कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, डीई इक्वल्स टू सी एफ। डीई और सी एफ क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो परपेंडिकुलर ये क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो भी हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना दो पैरेलल लाइंस के बीच में, कहीं से भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मापेंगे तो वो हमेशा इक्वल होता है। तो डी ई इक्वल्स टू सी एफ। तो एरिया ऑफ ए डी बी, एरिया ऑफ ए डी बी क्या होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ट्राइंगल ए डी बी इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई में बेस, बेस क्या है, ए बी बेस है ट्राइंगल ए डी बी का। ठीक है, मल्टीप्लाई में ए बी, मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा, डी ई। ठीक है, डी, तो एरिया ऑफ ए डी बी हो गया हमारा 1/2 मल्टीप्लाई में ए बी मल्टीप्लाई में डी ई। ठीक है, और अगर यहाँ हम डी ई, डी ई और सी एफ दोनों इक्वल हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी एफ। ठीक है, तो लिख देंगे हम ट्राइंगल ए डी बी इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई में ए बी मल्टीप्लाई में सी एफ। ठीक है, तो अब देखो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इसका एरिया क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई में बेस, बेस क्या है इसका, ए बी, एंड मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है सी एफ। ठीक है, यही होगा इसका
एरिया, ठीक है, तो इसके आगे हम एरिया भी लगा देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इक्वल्स टू वन बाय टू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। बस इसे समझने की जरूरत है कि हम सी एफ और डी ई इक्वल है और सारी चीजें हमारी कॉमन आ ही रही हैं, तो डी ई की जगह हम सी एफ रख देंगे। अगर डी ई की जगह हमने सी एफ रख दिया तो हाफ मल्टीप्लाई में ए बी मल्टीप्लाई में सी एफ, ये किसका एरिया हो जाएगा, ए बी सी ट्राइंगल का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ।